अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं करने लगूँ अनबॉक्सिंग एक बीट्स के ऑडियो का सोलो 2, जिसका नाम है। तो ये एक चाइना कॉपी है जो कि मुझे सिर्फ 1,050 रुपये की यहाँ लोकल मार्केट से मिली है। तो अगर इसके बॉक्स की बात कर ली जाए तो इसके बॉक्स के ऊपर काफ़ी कुछ हाईलाइटेड फीचर्स यहाँ पर इसके प्रोवाइड कर दिए गए हैं। काफ़ी कुछ में कलर्स जो अवेलेबल हैं वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। काफ़ी सारे कलर में अवेलेबल है। जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो रेड कलर में अवेलेबल है, और बाकी जो ये बीट्स की मॉडल की कॉपी है वो सोलो 2 है। और यहाँ पे आपको सारी ब्रीड की ब्रांडिंग भी दिखाई दे रही है, और यहाँ पे काफ़ी कुछ और भी बॉक्स भी लिखा है जिससे ये एकदम ओरिजिनल की लुक प्रोवाइड कर रही है। तो यार आप बॉक्स खोल लेते हैं और देख लेते हैं हमें बॉक्स में क्या मिलता है। तो बॉक्स खोलते साथ मुझे एक चीज़ अच्छी लगी कि इनकी पैकिंग जो है वो काफ़ी हद तक अच्छी की गई है। तो बॉक्स ओपन करते साथ ही आपको सबसे पहले जो चीज़ देखने को मिलेगी वो यहाँ पे इसके हेडफोन्स हैं। तो हेडफोन्स के अलावा हमें यहाँ पे एक साथ ही साथ मुझे नीचे की तरफ एक केबल देखने को मिली है, वो इसको मैं भी पावर देने के लिए काम करेगी। तो जो ये केबल है ये USB 1.0 की केबल है, और इसको आप किसी भी मोबाइल चार्जर के साथ लगा के चार्ज कर सकते हो। नीचे की तरफ हमें एक ऑक्स केबल मिल जाती है जिससे आप मोबाइल के अंदर अगर ब्लूटूथ नहीं है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं गाने सुनने के लिए। तो इसके ऑक्स केबल की लेंथ की बात कर लीजिए तो काफ़ी हद तक अच्छी लेंथ है। तो आप इसको जेब में अगर आपके मोबाइल है तो आप उसको डाल के यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डाटा केबल की, थोड़ी मैं आपको मैं दिखाया तो ये कहाँ पे इंसर्ट होगी। तो अभी बात करते हैं फ़ोन्स की। तो फ़ोन्स की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी मज़ेदार बनाई गई है। अगर मैं बात करूँ एक बीट्स का जिसका नाम लेके उन्होंने बनाया है, तो उन्होंने उन जैसा तो नहीं, लेकिन 1,000 रुपये में आपको एक अच्छे हेडफोन्स की क्वालिटी देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर अगर इसका मॉडल नंबर देख पाएँ तो यहाँ पर S460 है उसका मॉडल नंबर लिखा गया है। और राइट साइड की बात कर लीजिए तो जो इसका हेडफोन है उसके साथ हमें यहाँ पे बटन दिए गए हैं। तो उन बटन की बात कर लीजिए तो यहाँ पे बटन हमें पावर के मिलते हैं, उसके ऊपर काफ़ी और भी बटन हैं जिनका यूज़ आप पॉज प्ले और वॉल्यूम अप एंड डाउन करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पोर्ट्स की बात कर लीजिए तो पोर्ट्स के अंदर यहाँ पर हमें एक पहले मेमोरी कार्ड स्लॉट देखने को मिलती है। यहाँ पे आप मेमोरी कार्ड डाल के भी आप डायरेक्ट म्यूजिक सुन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे MP3 यानी कि जैक जहाँ पे हम हेडफोन जहाँ पे हम पर्स इंस्टॉल करेंगे वो मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे वो चार्जिंग पॉइंट मिलता है जहाँ से हम वो उसको पावर सप्लाई यानी उसकी चार्जिंग करेंगे। तो ओवरऑल हेडफोन्स की क्वालिटी अच्छी है। साउंड क्वालिटी मैं आपको एंड में टेस्ट कराऊंगा। बाकी इनकी अगर बात कर लीजिए तो हम इसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं अपने मुताबिक कि आप जिस स्टाइल में आपने इसको रखना है। तो जैसे ही मैं इसे ऑन करूँगा तो मुझे कुछ एक साउंड्स भी देखने को मिलती हैं जो कि मैं आपको अब थोड़ी देर में सुनाऊंगा। तो सुनो। तो यार यही था इसका रिव्यू। तो इसका मुझे काफी हद तक मजेदार लगे हैं ये हेडफोन्स। तो हेडफोन्स की क्वालिटी भी अच्छी है। अगर बात कर लीजिए बेस की तो ये बेस भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात कीजिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से 1,000 रुपये की, तो 1,000 रुपये में आपको एक अच्छी चीज़ मिली है, ब्रांड क्वालिटी के साथ मिली है। अगर आप चाहें तो इसे ऑनलाइन मार्केट से परचेज कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं इसका मॉडल नंबर जो S460 है। और बाकी इस वीडियो को लेते हैं, उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो। और मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग गाइस।